हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास सिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 11। 10 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, नोट्स बनवा दिए हैं, वीडियो आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज ये हमारा जो एनसीईआरटी क्लास सिक्स हिस्ट्री का 11 चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। ठीक है, और कल से मैं आपको 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो लास्ट चैप्टर आज हमारा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है, ओके, और अपने नोट्स को बनाते चलना है। तो लास्ट चैप्टर अच्छे से देखना, चैप्टर 11 छोटा ही चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 11 है, चैप्टर का नेम क्या है, इमारतें, चित्र और किताबें, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले वो हम देख लेते हैं। हम देखेंगे लोह स्तंभ, ठीक है, ईंट और इमारतें की, पत्थरों की इमारतें देखेंगे, स्तूप, मंदिर देखेंगे, चित्रकला देखेंगे, पुस्तकों की दुनिया जिसमें पुरानी कहानियां आ जाएगी, आम लोगों की कहानियां, विज्ञान पुस्तक, ये सब आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्तूप मतलब होता है टीला या ढेर। ठीक है, धातु मंजूषा, बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष रखे रहते हैं, उसे कहते हैं धातु मंजूषा। इसमें बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे या जो उनके अनुयायी थे, उनके शरीर के अवशेष रखे रहते हैं। आ जाता है एक पॉइंट का प्रदक्षिणा पथ, ये क्या होता है, तो ये होता है परिक्रमा पथ, इसे कहते हैं गोल मार्ग, वृत्ताकार मार्ग। वैदिका क्या होती है, वैदिका मतलब प्रवेश द्वार। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा, अगर आपने एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप ये नोट्स नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ये वर्ड्स आए कहां से है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी का जो बुक है चैप्टर रीड करना है, उसके बाद आपको ये नोट्स देखने हैं। आ जाता है मंदिर, गर्भगृह महत्वपूर्ण भाग था उस टाइम पर, यहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। आ जाता है मंडप, मंदिर के अंदर ही मंडप होते थे, यह सभागार होता था जहां लोग क्या होते थे, इकट्ठे होते थे। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था कौन सा मंदिर, महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर। पुस्तकों की दुनिया की बात करते हैं तो शिल्पदिकारम क्या होता है, शिल्पदिकारम में क्या था, यह तमिल महाकाव्य था, इलांगो कवि ने लिखा था, ये याद रखना है, ये एक तमिल महाकाव्य था, इलांगो कवि ने लिखा था। इसमें कोवलन नाम की व्यापारी की कहानी है, किसकी, कोवलन। ठीक है, वह कहाँ रहता था, पुहार में रहता था, उसकी अपनी पत्नी कनकगी, उसकी उपेक्षा कर उसने क्या करा, एक नर्तकी मतलब नाचने वाली माधवी से प्रेम करने लगा था। ठीक है, पुराणों का संकलन की बात हुई, पुराण कितने सबको पता है, 18। पुराण का मतलब होता है प्राचीन, इसमें शिव, दुर्गा, पार्वती की जानकारी मिलती है। भाषा कैसी, संस्कृत है। इस काल तक शूद्र और स्त्रियों को पुराण पढ़ने की अनुमति भी नहीं थी। ठीक है, अब आ जाता है एक टॉपिक, मणिमेखलाई, मणिमेखलाई क्या, यह भी तमिल महाकाव्य है। देखिए एक तमिल महाकाव्य हमने कौन सा देखा है, शिल्पदिकारम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवलन नाम की व्यापारी की कहानी है, जो पुहार में रहता था अपनी पत्नी कन्नेगी के साथ, उसकी उसने क्या किया, अपनी पत्नी कन्नेगी को पेशा करी और एक नाचने वाली माधवी से प्रेम करने लगा था, तो इसमें इनकी प्रेम की कहानी है। मणिमेखलाई क्या है, यह भी एक तमिल महाकाव्य है, यह हमारी क्या है, सत्यनारायण द्वारा लिया गया, कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। अब मैंने जैसे बताया था कोवलन माधवी से प्रेम करने लगा था, तो उनकी जो बेटी हुई थी तो उनकी कहानी किसमें, मणिमेखलाई में। अब आ जाता है महाकाव्य, महाकाव्य कौन सी है, रामायण और महाभारत। रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि ने, और महाभारत को वेदव्यास ऋषि। महाभारत में ही भगवत गीता है, महाभारत कौरव पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था, पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। फिर आ जाता है विज्ञान की किताबें, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टम पुस्तक लिखी। दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते उसने ये बताया। वरामिरी, ब्रह्मगुप्त और जो भास्कराचार्य, क्या अन्य खगोल वेत्ता है। तो विज्ञान की किताबों के बारे में कुल मिलाकर इस चैप्टर में ज्यादातर किताबों के बारे में है। आयुर्वेद के बारे में बात करें तो चिकित्सा विज्ञान की नया सिस्टम आया था। जो सुश्रुति संहिता थी 34 शताब्दी की, उसमें क्या है, उसमें है सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब शल्य चिकित्सा। किसे लिखी थी, शुस्त्रु ने ही लिखी थी। ठीक है, जनक संहिता किसे लिखी, द्वितीय शताब्दी की है। और लोह स्तंभ की बात करें तो यह क्या है, यह जो है दिल्ली में कुतुब मीनार के महरौरी में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोह स्तंभ। ऊंचाई की बात करें तो 7.2 मीटर है, वजन 3 टन से ज्यादा है। निर्माण लगभग 1500 साल पहले, इसके बनने की जानकारी इस पर खुदे अभिलेख से, इसमें चंद नाम के शासक का जिक्र है। बहुत ही छोटा चैप्टर, आप देख सकते हो कितने कम पॉइंट है। लोह स्तंभ के बारे में बताया गया है और बताया गया कि जो सुश्रुति संहिता थी वो सुश्रुति ने लिखी है और चरक संहिता लिखी है। चरक ने विज्ञान की कुछ किताबों के बारे में बात की गई, जैसे आर्यभट्टम पुस्तक थी वो किसने लिखी है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, मैं स्टार्टिंग से वीडियो दिखा रही हूँ, आपको पॉज कर लेना है वीडियो को और नोट कर लेना है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें चीज नहीं थी। कल से हम आपको करवाएंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स। एक वीडियो, एक चैप्टर आपको डेली मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करके बताना। आपको वीडियो से ज्यादा शेयर करनी है। अगर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं तो मैं फिर एक दिन में 2 चैप्टर 7th क्लास के करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि नोट्स मेरे पास रखी है सारे।
बट आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है सबसे ज्यादा फ्रेंड्स के साथ।